हर्षित, आप आपने क्या सोचा है? अगर नंबर वन हो जाए जी, आपने क्या सोचा है, क्या बनना चाहेंगे इसके बाद, आप किस तरफ आप काम करेंगे? म्यूजिक कंपोजर अगर आप बनना चाहते हैं तो किसके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं? सिंगर बनना चाहते हैं तो किसके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं? कौन है ऐसा ऐसी शख्सियत जिसको देखकर आप चल रहे हैं कि मुझे वहां तक पहुंचना है, ऐसा बनना है? देखिए, जहां तक म्यूजिक कंपोजर का सवाल है, आई वांट टू टेल एंड क्लियर वन थिंग कि आई एम अ सिंगर फर्स्ट. आई केम एज अ सिंगर इन दिस इंडस्ट्री, इन द रियलिटी शोज एवरीवेयर, एंड एवरीबडी लाइक्स माय वॉइस, दे ऑल अप्रिशिएटेड माय वॉइस. सो माय मेन थिंग इज माय प्लेबैक सिंगिंग. और जितने भी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे म्यूजिक कंपोजर्स हैं, और हमारे जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री में, सबको कहना चाहूंगा, सर प्लीज मुझे गवाइए और मेरे गाने को, मेरी वॉइस को सुनिए और मुझे और गाने दीजिए. आई डोंट वांट टू एस्टैब्लिश मायसेल्फ एज अ म्यूजिक कंपोजर, बट या आई लव कंपोजिंग म्यूजिक. यू कैन कंपोज म्यूजिक सिंस सो लॉन्ग. या बिकॉज आई एम कंपोजिंग सिंस सो लॉन्ग. एक वाक्य बताना चाहता हूँ आपको. मैं बचपन में छोटा था जब, तो मुझे मेरे नाना कुछ भी वर्ड देते थे, मेरे मामा कुछ भी वर्ड देते थे, मुझे दो लाइन देते थे और मैं उसको तुरंत कंपोज करके उनको सुनाता था, कुछ भी नया ट्यून में. तो इट्स लाइक अ थिंग कि वो मेरे अंदर है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं कंपोजिशन में इतना ध्यान नहीं देना चाहता. आई वॉन्ट टू बी एज अ प्लेबैक सिंगर, एंड मुझे और मैं बहुत खुश हूँ अगर मुझे दोनों करने का मौका मिलता है, तो भी मैं बहुत खुश हूँ. और अगर मुझे सिंगिंग करने को, बेसिकली मेरा मेन फोकस है सिंगिंग, और मैं सारे म्यूजिक डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर प्लीज मुझे गवाइएगा और प्लीज मेरा वॉइस सुन के मुझे और अच्छे अच्छे गाने दीजिएगा. हर्षित, आखिर में आपका ऑल टाइम फेवरेट अगर कोई गाना है तो उस गाने के साथ ही इंटरव्यू हम खत्म करेंगे. जी, ऑल टाइम मेरा फेवरेट ऑब्वियसली भट्ट साहब का ही गाना है. भट्ट कैम विशेष के गाने मेरे बहुत फेवरेट है, इमरान भाई के. और दो गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है. एक तो दो लाइन सुनाता हूँ मैं बहुत जल्दी. जरा सी दिल दे दे जरा तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा. मैं चाहू तुझको मेरी जावे परा, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जावे परा. दिस माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द विशेष. एंड अनदर वन इज मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ, तेरी हवा ने बहने लगा हूँ, जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ. मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ. हा, तुझको जो पाया तो जीना आया, अब ये लम्हा मह जाए, थम जाए, बच जाए हम दोनों के दरमिया. तुझको जो पाया तो जीना आया, अब ये लम्हा मह जाए, थम जाए, बच जाए हम दोनों के दरमिया. हर्षित, बहुत खूब, बहुत खूब, मैं कहूंगा मजा आ गया. और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि आप चार रियलिटी शोज में नंबर दो पर रहे, और लेकिन आपका गाना सुनकर ये लगता है कि नंबर दो काफी हो गया, अब आप नंबर वन पर आ चुके हैं. और उम्मीद करते हैं कि जो तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, आप उनकी पहली चॉइस जरूर बनेंगे, और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं, उनकी भी आप पहली चॉइस बनेंगे. ऑल द बेस्ट टू यू, बेस्ट विशेस. थैंक यू. तो ये थे हर्षित सक्सेना, जो कि एक नया नाम है, अभी शुरुआत कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन अच्छा गाते हैं. और उनका जो गाना है अभी मर्डर 2 का जो गाना है, वो इस वक्त काफी पसंद किया जा रहा है, और इसीलिए हमने आपकी मुलाकात करवाई.